हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शोर्ड ऑफ सस क्लासेस। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ रेसिडुअल एंट्रोपी का एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका आया था आपका जो सीएसआई नीट का दिसंबर 2017 के एग्जामिनेशन में। सो क्वेश्चन था, आपके पास एक मेटल है, मेटल का ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल आपको दिया गया है। आपको बोलना पड़ेगा कि आपका जो ये मेटल है, ये मेटल का आप ये जो मेटल का जो मेटल के साथ कोई सॉल्ट, अगर कोई सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, उस सॉल्ट का 0 डिग्री सेंटीग्रेड में रेसिडुअल एंट्रोपी क्या होगा। नाउ हम लोगों को पता है कि रेसिडुअल एंट्रोपी जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू के एल एन डब्ल्यू, के बी सॉरी के बी एल एन डब्ल्यू। अभी के बी तो आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और डब्ल्यू क्या है, आपका नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। सो टोटल नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, अगर आपके पास ये मेटल आयन टाइप का कुछ है जिसका टर्म सिंबल आपको दिया गया है, तो आपको डब्ल्यू कैसे निकालोगे। डब्ल्यू निकालने के लिए आपको जो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा वो है 2J+1। अभी जे क्या है, हम लोग टर्म सिंबल को जानते हैं, टर्म सिंबल को यूजुअली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, 2S+1 L G। सो ये आता है आपका टर्म सिंबल। अभी इन दोनों के बीच अगर आप कंपेयर करके देखो तो आपका जे वैल्यू कितना आएगा, जे वैल्यू आपका आएगा 2, तो 2J+1 विल बी 2+2+1 दैट इज 5। सो के बी आ जाएगा एल एन जे प्लस वन, 2J+1 दैट इज के बी एल एन 5। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दैट इज के बी एल एन 5। सो ये है आपका रेसिडुअल एंट्रोपी टाइप का क्वेश्चन। रेसिडुअल एंट्रोपी का बेसिक फॉर्मूला तो सेम ही होता है, एस इक्वल टू के एल एन डब्ल्यू और के बी एल एन डब्ल्यू, बट आपको सिचुएशन देख के डिपेंड करना पड़ेगा कि कहां पे क्या हो रहा है। कहीं पे आपका 2S+1 2S+1 उस टाइप से भी निकालना पड़ेगा, यहां से ये वाला निकालना पड़ेगा, बहुत सारा एप्लीकेशन है इसका, बहुत सारा सिचुएशन के बीच W डिफरेंट रहता है, तो हर एक W का आपको जानना पड़ेगा। जैसे इधर आपका J+1 से वैल्यू निकालिए, वही डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन के लिए आपका वैल्यू डिफरेंट आएगा, तो उसको आपको निकालना पड़ेगा। So this was your question and thank you so much for watching this video.